ओवर एक्टिंग करी थी ना उसने, उसके सारे नंबर कट हो गए, मतलब व्यूअर्स को पागल बना सकती। दोनों मिलकर जो है गुलाब चंद के ऊपर अपना प्रेशर बनाएगी। उसको ट्रेनिंग तुम ही नहीं दी थी, बाकी समर वेकेशन पर आप लोग आने वाले हो और एक बार फिर से फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल डिंपल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग, एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। आप लोगों के कमेंट्स जो है ना वो बिल्कुल हम लोग ऐसे लगता है कि ना ऐसे एक दूसरे के सामने रूबरू होकर बातें कर रहे हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोगों का इतना प्यार और इतना सपोर्ट मिल रहा है कि जिसकी वजह से ये एपिसोड बन रहे हैं। तो चलिए जी अपने आज के एपिसोड की ओर बढ़ते हैं। आज का एपिसोड मैं कुछ स्पेशल करने बताने जा रही हूँ या कैसे, तो वो तो निर्धारित करता है आप लोगों के ऊपर कि उसको स्पेशल कैसे बनाना है, कमेंट के जरिए आप लोग लिखकर बताओगे। तो यहाँ पर आज बात कर लेते हैं कि मैंने जो एक हफ्ता पहले या 4-5 दिन पहले की बात है, मैंने एपिसोड एक वॉच नहीं किया था जिसमें कि एक Q&A था जहाँ फिर जवाब दिए गए थे पुत्तन और भाभी की ओर से, है ना। तो भाभी और पुत्तन ने बैठ के आपसी प्रेम प्यार के साथ कैसे व्यूअर्स को जवाब दिए थे, लेकिन वहाँ पर पुत्तन की जो है फेकनेस कैसे सामने आई, जो कि एक्चुअली में आप लोगों को झूठी ने तो झूठ दिखाए फेक अपनी स्माइल के साथ, लेकिन पुत्तन की तो लाइफ ही पूरी झूठ के ऊपर थी। ये मुझे रियलाइज़ हुआ कल रात को वो एपिसोड देख के, ठीक है। मैंने वो पहले देखा नहीं था, मैंने इग्नोर किया था, मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि ये बस अपनी कॉन्ट्रोवर्सी जो है वो इन्होंने स्टार्ट करी है उसके बारे में बताया होगा या कैसे भी, तो मैंने इग्नोर किया हुआ था उस एपिसोड को। लेकिन जब मैंने देखा तो उसमें इतने पॉइंट निकल कर आए कि मैं हैरान थी कि पुतन तुम इतनी बड़ी वाली फेक हो। मैं तो यही सोच रही थी कि झूठी झूठ बोलती है, लेकिन वहाँ पर पुतन की जो फेक या झूठी ओवर एक्टिंग करी थी ना उसने, उसके सारे नंबर कट हो गए, ठीक है। लेकिन वहाँ पर जो चंपा है ना, चंपा बिल्कुल ओरिजिनल है, वो ओरिजिनल कंटेंट ही लेकर आए हैं ये अपने घर, वो ओरिजिनल है, उसमें बचपन है, उसको बेचारी को पता नहीं। अच्छा अच्छा हाँ दीदी दीदी ठीक है, अरे भैया वो नॉर्मल है, वो नॉर्मल ही है, ठीक है। उसके अंदर से जो एक्टिंग निकलती है ना वो नॉर्मल ही निकलती है, वो नॉर्मल अपनी फैमिली में जैसे थी वो वैसे ही यहाँ पर है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि पुत्तन ने कैसे, मतलब जब बात करती है ना चंपा, वो ऐसे आम नॉर्मली जैसे हम बात कर रहे हैं, अभी मैं आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ तो वही चीज़ें वो कर रही थी अपनी, है ना। लेकिन पुत्तन जब बात करती है ना, पुत्तन कैमरा की ओर देखती बहुत कम है, वो ऐसे ही देख रही थी हाँ हाँ हाँ। उसको लगा कि मैं यहाँ पर ये भी क्लियर कर दूँ कि हम लोग यहाँ पर अपने रिश्तों को लेकर बात नहीं करते हैं। अरे पुत्तन तुमने तो पूरी लाइफ ही यहाँ पर रख रखी है, लेकिन तुम्हारा को ये लगा अच्छा अब मुझे यहाँ पर कंपैरिजन थोड़ा करना पड़ेगा, मुझे झूठी को भी इनके साथ ही इन्वॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि बेटी तो ये दोनों थी लेकिन बीच में अब झूठी भी इन्वॉल्व होगी, है ना। खिचड़ी बनेगी ना पूरी तरीके से, अब खिचड़ी बनेगी तो सबको पता लगना चाहिए भाई खिचड़ी कैसे बनी थी। जहाँ पर आप लोगों को लगा होगा कि कल हमने बात करी थी कि बोला था झूठी ने कि मैं जो मर्जी को हूँ अपनी मम्मियों को, लेकिन मेरी मम्मियों को कोई कुछ बोले तो वो मैं पसंद नहीं करती हूँ। तो हमने कहा था सोशल मीडिया पर मत बोला करो ना, फिर तुम बोलती हो तो लोग बात करते हैं तो वो चीज़ें होती हैं। लेकिन अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो जब पुत्तन को स्क्रिप्ट मिली ना झूठी की ओर से, झूठी और पुत्तन की आपसी जो वार्तालाप हुआ जिसमें झूठी ने बोला कि इसको लगता है चंपा को कि हम सारी बातें यहाँ पर बताते हैं ऑन कैमरा, नहीं 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 हम सिर्फ वही बातें बताते हैं कि जिससे कि कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हो, है ना, थोड़ी बहुत, लेकिन वैसे किसी को क्या पता कि हम कैसे जूत पतान होते रहते हैं ऑफ कैमरा, है ना। लेकिन यहाँ पर तो चंपा ने जो ये बात बोल दी ना कि देखो मम्मी जी मैंने आपका घर जो है कितना साफ सुथरा रखा हुआ है, मैं आपकी चीज़ों को नहीं छेड़ती हूँ, सब चीज़ें मैंने जगह टकाने पर रखी हुई हैं, देखो मैंने आपके घर को कैसे साफ सफाई करके रखा हुआ, तो वो बातें जो है हमें पसंद नहीं आई। पुत्र ने कहा तुम चिंता मत करो, परेशान मत हो, मैं हूँ ना इसके सर पर बैठी हुई, और तुमने तो वैसे मुझे 1 मंथ जो है ट्रेनिंग देकर भेजा हुआ है ना, तो मैं अब तुम्हारी ट्रेनिंग में सही उतरती हूँ कि नहीं, पास होती हूँ कि नहीं, तो वो अब तुम मुझे बताना। सो पुत्तन ने याद करते हुए ऐसे ऐसे करके ना, तो भैया हम लोगों में सब बातें जो हैं वो सॉर्ट आउट हो गई हैं, अब हम नंद भाभी जो है प्यार से, वहाँ क्या लिखा हुआ था
वो सोच रही थी, लिखा कुछ नहीं हुआ था वहाँ पर, वो सोच कर बोल रही थी, है ना। लेकिन वो जो चंपा है ना, चंपा नॉर्मल थी, और चंपा ने ये चीज़ बोली कि अरे दीदी, हम तो हमेशा आपको कहते हैं कि आप अपने पास की रखो, है ना, ठीक है जैसा तुम कहते हो, लेकिन रोल बनाने में ये लग गई है। जानी कि पुत्तन को लगा मुझे भी कुछ काम करके रखना चाहिए जूठी के आने से पहले, है ना, ताकि जूठी कहे कि हाँ अच्छा तुमने भी ये कुछ काम किया हुआ है, बाकी काम जो है वो मैं देख लेती हूँ, रफ काम तुम कर लो। और फिर काम जो है, आप लोगों को याद होगा कि एक जब हम लोग स्कूल पढ़ते थे तो एक रफ कॉपी होती थी, एक फेयर कॉपी होती थी, है ना, तो कुछ ऐसा ही रफ काम ये करके रखेगी, तो फेयर काम जो है वो जिस पे गुड देगी ना ये, है ना, वेरी गुड देगी, वो ये देगी जूठी आकर, है ना, कि पुत्र शाबाश तुमने काम बहुत अच्छा किया। लेकिन नहीं, वो बातें नहीं बन सकी। लेकिन उसने बोला कि मैं तो बताऊँगी एपिसोड में। अच्छा, ये सारी बातें मतलब व्यूअर्स को पागल बना सकती हैं, हम लोगों को नहीं। क्यों, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पर आप लोगों को पता है कि चंपा ने कहा था पहले भी कि एडिटिंग उसको नहीं आती है, ये देखा भी आप लोगों ने। अगर उसने ऐसी कुछ बातें बोली थी तो जो कि गलत नहीं थी, वो नॉर्मल बातें थी, वो नॉर्मल ही है लड़की। अच्छा, एडिटिंग कौन करता है, गुलाबचंद। तो गुलाबचंद को लगता कि वो बातें सही नहीं है तो वो एडिट करता ना वहाँ से, तो उसने क्यों नहीं एडिट की, है ना। तो मतलब अब ये दोनों की दोनों मिलकर जो है गुलाब चंद के ऊपर अपना प्रेशर बनाएगी, लेकिन गुलाब चंद इनकी बातों में बिल्कुल नहीं आएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि जब पुत्तन की घर वापसी हुई थी तो एक लाइव करी गई थी, है ना, तो उसने भी अपनी बहन का उस समय साथ नहीं दिया था, लेकिन मदर इंडिया ने बोला था कि तुम बड़की का साथ नहीं देते हो। देखो गलत बात है, उसने इतना ध्यान रखा तुम लोगों से, खेतों में काम करवाया, वो हमेशा अपनी नज़र के सामने तुम लोगों को रखती थी, है ना। अब फिर तुम लोगों को उसने सेना बनाकर तुम लोगों को फेस वैल्यू दी, है ना, अब उसको नई सेना खड़ी करनी पड़ रही है ना, जिसको कि उन्होंने प्रॉपर, देखिए यहाँ पर आप लोग ये समझिए, नज़र रखना भी बड़ी बात होती है। मेहनत बेशक वो लोग करते थे बच्चे, है ना, लेकिन झूठे का नज़र रखना भी बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि दो नज़रें, देखो दो आंखें, माँ की एक आंख होती है ना कहते, जिसमें कि उसको बच्चे इक्वल नज़र आते हैं, झूठे की दो आंखें हैं, एक तो उसने बच्चों के ऊपर रखी हुई थी, जानकी पुत्तन और गुलाब सिंह के ऊपर, एक नज़र उसने ये मोटू पे रखी हुई थी, और मोटू की नज़र भी इससे लड़ी हुई थी, मोटू और ये झूठी अपना ही प्रेम का वो राग लाप रहे थे, क्या ही बोले। यहाँ पर चंपा के सामने कुछ भी नहीं छुपा, चंपा की बात कर रहे थे ना हम लोग, तो सो उसी के ऊपर अब आते हैं। तो चंपा के लिए तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि चंपा के साथ गुलाबचंद है, वो बिल्कुल भी अपने रिश्तों में इन किंतु परिंतु को आने नहीं देगा, इतना तो मुझे पूरा विश्वास है। यही बात उसने उस लाइव पर भी बोली थी कि मैं जो है मतलब नहीं बिल्कुल भी बोलूँगा, क्योंकि ये घर सबका है, उसने उस लाइव पर भी बोला था, आज भी वो यही बात कहता हुआ नजर आता है। लेकिन अब गुलाबचंद ने ऐसा क्या गलत किया, मैं बता रही हूँ। आप लोगों को याद होगा पिछले कोई 15-20 दिन पहले की बात है, जब मैंने ये चीज़ बोली थी, लक्ष्य चौधरी जो कि बड़े यूट्यूबर हैं, बड़े रोस्टर भी हैं, रिएक्शन चैनल चला रहे हैं, है ना, या फिर उन और भी जितने भी क्रिएटर्स हैं बड़े बड़े, सब लोग आजकल एक ऐड कर रहे हैं IPL की, या फिर कुछ गेम ऐप्स के बारे में बताते हुए नज़र आते हैं, जो कि गलत है, है ना। तो वहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया था द पंजाब वालों का भी, कि द पंजाब वाले भी IPL है या फिर कुछ भी गेम ऐप्स जो है उनके बारे में बताते थे, तो आप लोगों को शायद अंदाज़ा नहीं होगा, और मुझे भी YouTube के जरिए मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ यहाँ पर, कि बस इतना बता सकती हूँ कि इतनी मोटी रकम मिलती है ना ऐप जो अपना करवाते हैं, क्या कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं, PR करवाते हैं, है ना, तो इसके पीछे बहुत एक अच्छी इनकम जनरेट होती है इन लोगों के अकाउंट में। सेकंड क्या कहें कि काफ़ी अच्छी, आप समझ जाएं, काफ़ी अच्छी मतलब काफ़ी अच्छी। लेकिन आप लोगों को पता है कहीं ना कहीं आप जो है बच्चों को एक इजी वे दे रहे हो कि ऐसे आप जो है सट्टा लगाओ, गेम से कमाओ, लेकिन अगर आप उस गेम से हार गए तो आपका वो होगा कि और मतलब कि ये जुआ हो गया ना, सरेआम खेल सकते हो, ये कौन प्रमोट कर रहा है, अब आप लोग समझ सकते हो। गुलाबचंद ने भी वही चीज़ें करी, उन्हीं चीज़ों के लिए PR किया। यहाँ पर मैंने दा पंजाब वालों का नाम क्यों लिया,
यहाँ पर कवल ने एक ऐप, पहले तो उसने 2, 4, 5 पता नहीं कितने ऐप करे होंगे, उनकी प्रमोशन की होगी, लेकिन सडन उसको एक इंस्टा पर मैसेज आता है। इवन मैंने भी एक बार मैसेज किया था कि वाक्य में ही ऐसा होता है, तो उन्होंने, मैंने किया, उससे बाद किसी और ने भी किया उनको, तो जब उन्होंने रिप्लाई में एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने सॉरी फील किया, उन्होंने बोला नेक्स्ट आपको मेरे वीडियो के अंदर ऐसा कोई भी ऐप आप लोगों को प्रमोट करते हुए हम लोग नज़र नहीं आएंगे, जिससे कि हमारी आज की ये जो जनरेशन है जिनको लगता है कि इजी वे में ये मनी मिल जाएगी, हालांकि ये मिलती नहीं है, इसमें बंदा हारता ही है। एक तरफ हम अपने बच्चों को समझाते हैं, सिखाते हैं कि जुए में सट्टे में पैसा नहीं लगाना है, मेहनत करो, मेहनत से कमाओ। यहाँ पर झूठी यही कहती ना, हमने खुद से मेहनत करी, फेस वैल्यू बनाई, है ना। और यहाँ पर जो गुलाब चंद है उन्होंने भी कहा कि भैया हमारा अपना काम है, हम व्लॉगिंग करते हैं, मेहनत करते हैं, है ना। पुत्तन भी कहती है ना, ये कौन सी मेहनत हो रही है, ठीक है। यहाँ पर ये है कि मेहनत ये बहुत अच्छे अच्छे व्लॉगर्स भी कर रहे हैं जिनको व्यूअर्स नहीं आते हैं, है ना, लेकिन ये है कि व्यूअर्स ने आपको पसंद कर लिया, क्योंकि बाहर एक्चुअली में आउट ऑफ कंट्री लोगों को यही लगता है कि इंडिया बहुत ही गरीब है, बहुत ही गरीब है ना। तो इंडिया के जो है लोग, ऐसे व्लॉगर जो हैं जो अपनी गरीबी दिखाते हैं, जो स्टार्टिंग में ये लोग थे भी, है ना, जैसा इनका वो आप लोगों ने देखा है किचन, घर, रहन सहन, सब लोगों ने ये चीज़ें पहले से देखी है, जो पहले से जुड़े हुए हैं, है ना। लेकिन यूट्यूब की वजह से, या कहें कि व्यूअर्स की वजह से, सपोर्टर की वजह से लाइफ में जो चेंज आया है ना, इनके रहन सहन अभी जो बदले हैं ना, वो यूट्यूब की वजह से, है ना। लेकिन आप जो है यूट्यूब के जरिए एक सट्टा खेलने के लिए एक ऐप की प्रमोशन कर रहे हो, और जो मनी वहाँ से मिल रही है उसकी से अपनी पॉकेटें भर रहे हो, क्या ये सही बात है? कैसे इन्फ्लुएंसर हो आप, चाहे आप हो, चाहे लक्ष्य चौधरी है, चाहे कोई और है। तो मुझे ये बात बहुत ही अच्छी लगी थी द पंजाब वालों की, कवलजोत सिंह की, कि उन्होंने ये बात सरेआम आकर यहाँ पर बोली और सॉरी फील किया कि जो बात मैं अपने बच्चों को मना करता हूँ उसके लिए मैं यहाँ पर प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं करूँगा, है ना। तो ये है इनके असली चेहरे, जो कहते हैं, चाहे वो लक्ष्य चौधरी है, चाहे कोई और है, मनी 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 माइंडेड ही हैं सब लोग। और सब लोग आज की जनरेशन को और दिमाग उनके कुंद से कुंद कर सकते हैं ये लोग, और दिखा रहे हैं सब लोगों को, ये अपना बता रहे हैं कि आप लोग जो है ऐसे जुआ सट्टा खेल सकते हो ये ऐप जो है डाउनलोड करके, ठीक है। तो ये इसके लिए मेरे को गुलाबचंद के लिए ये चीज़ बोलनी थी कि आप पीआर करो, तो पीआर करते हुए आप ये देख लो कि आपसे कुछ लोग तो इन्फ्लुएंस होंगे ही, ज़्यादा नहीं तो 50 लोग भी अगर इन्फ्लुएंस होते हैं तो आप समझ जाओ कि आप भी अब उस पाप के भागीदार हो जाते हो, क्योंकि आपने तो पैसा कमा के जेब में डाल लिया, है ना। तो बहुत सारे इनके सपोर्टर हैं जो कि यहाँ पर भी आकर बात करेंगे, करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी मंडलियाँ बनी हुई हैं, अब उनके लिए तो मैं बिल्कुल भी बोलना नहीं चाहती हूँ। लोगों के मेरे पास इंस्टा पर मैसेज आते हैं, कहते हैं कि डिंपल जी आपके लिए ऐसा बोला वैसे बोला, भैया मैं इग्नोर करती हूँ, उन लोगों को बोलना है, उनको अपनी ओपिनियन देनी है, देने दीजिए, ठीक है। हम लोग किसी के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते हैं, जो मन में आए बोलो, आई डोंट केयर। यहाँ पर डिंपल जो है उसने तो खुद सामने से आकर बातें करी हैं, अपनी ओपिनियन रखी हैं, लेकिन मेरी YT फैमिली जो है उन्होंने मुझे पसंद किया, जिस वजह से आज जो है मैं डेली एक व्लॉग कह दें या फिर अपना एपिसोड लेकर आती हूँ अपनी YT फैमिली के लिए, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं थोड़ी झूठी के ऊपर, क्योंकि झूठी के ऊपर बात किए बिना वीडियो जो है बिल्कुल अधूरा अधूरा सा लगता है। जहाँ पर ये कहना चाहेंगे कि झूठियंका तुमने चांदपुर में भी एक अपनी हाउस हेल्प जो रखी हुई थी उसको तुमने प्रॉपर सिखाया था, लेकिन उसको ट्रेनिंग तुम ही नहीं दी थी, बाहर से कोई ट्रेनिंग नहीं दिलवाई थी कि कैमरे से कैसे शूट किया जाता है वीडियो, है ना। अच्छा, फिर वो जो आंटी महारानी थी, है ना, उसका नाम मैंने महारानी रखा हुआ था, वो काफ़ी तेज तरार निकली, शायद उसकी बिटिया ने भी कोई एपिसोड बनाने स्टार्ट कर दिए होंगे, या फिर उनका खुद का कोई चैनल होगा, लेकिन आपने वहाँ पर हमें ये चीज़ें नहीं दिखाई बताई, लेकिन उसने बहुत अच्छे से वो चीज़ें वो शूट करती थी।
इसलिए तो वो हुक्म चलाती थी, ये कहती हुई नजर आती थी कि आप जो है मुझे आज ये खिलाइए, आप जो है मुझे वो खिलाइए, ये सब कहती हुई वो नजर आती थी। लेकिन ये क्या, ये क्या, यहाँ की जो मेड है, हाउस हेल्प है ना, तो जी वो जी शूटिंग तो प्रॉपर बहुत अच्छे तरीके से करती है, लेकिन वहाँ पर मदर इंडिया ये कहती हुई नज़र आती है कि इसको बिल्कुल भी लालच नहीं है, ये कुछ मांगती नहीं है, ना ही कुछ खाती है, अगर हम लोग कहते भी हैं बहन खा लो तो ये मना कर देती हैं। लेकिन माता जी, शायद आपको पता नहीं है, स्पेशली खिलाने के लिए ये जो झूठी है इसको कैफे लेके जाती है, ठीक है, ये भी कम नहीं है, उसको भी पता है कि उसको ट्रीट मिलनी चाहिए और वाकई में मिलनी भी चाहिए। भैया वो जो है काम भी करती हैं, दूसरा वो शूटिंग भी करती हैं, और झूठी ने ये अपने आप से ये बात बोली थी चांदपुर में ही कि वो पे भी करती है, इसके लिए वो एक्स्ट्रा मनी देती है, तो ये यहाँ पर भी दे रही है, ठीक है। और जी झूठी यहाँ पर कि ऑफिस में भी अगर कोई काम करता है ना तो उनको टाइम टू टाइम ट्रीट दी जाती है, तो झूठी ऐसे ही टाइम टू टाइम जो है छोले भटूरे की, समोसे जलेबी की ट्रीट देती हुई नज़र आती है अपनी हाउस हेल्प। तो जुठियंका का अभी जो नया पैंतरा है वो जल्दी आप लोगों के सामने आ ही जाएगा कि वो अभी कौन सा गेम खेलने वाली है, लेकिन वो हमेशा बिहाइंड द कैमरा ही वो सारी चीज़ें पहले सॉर्ट आउट कर लेती है, सब लोगों को बोल देती है कि अभी ये डायलॉग बाजी जो है आप लोगों को करनी है तो वही बताना है। जैसे कि पुत्तन ने कितना फेक, कितनी ओवर एक्टिंग करी, कितनी ओवर एक्टिंग करी, तो भैया वो चीज़ें समझ में आ ही गई। लेकिन चंपा ने तो भैया एक्सपोज करना था, वो कहती भी मैं कभी भी अपने गाइस के साथ झूठ नहीं बोलूंगी। वेल डन चंपा, वेल डन, है ना। तो बाकी अब मैं क्या ही बोलूं, बाकी बोलेंगी तो ये बोलेंगी, अब आने वाले टाइम में जो समर वेकेशन होने वाली है, ठीक है, मोटू और जूठी की कहते हैं ना कम बैक करने वाले हैं, कम बैक करने वाले हैं या फिर रिटर्न द बॉस रिटर्न, है ना, तो ये सब चीज़ें होने वाली हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि सॉरी बॉस, मैंने जो है आपका सरप्राइज पहले ही ओपन कर दिया कि समर वेकेशन पर आप लोग आने वाले हो, और एक बार फिर से शायद, मुझे नहीं पता लेकिन एक अंदाजा है कि ससुर साहब जो है वो 15,000 के बारे में इतनी बार सुन चुके हैं, इतनी बार सुन चुके हैं कि उनको लगता है कि अब मुझे एक बार फिर से इनको वेडिंग एनिवर्सरी पर गिफ्ट या सरप्राइज दे ही देना चाहिए। सब कुनवे को बुलाकर जो है खाने पर इनवाइट करके इन लोगों को एक ऐसा सरप्राइज मिल जाए, है ना, और सेलिब्रेशन भी हो जाए। तो कैसा लगा मेरा आज का वीडियो बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, क्योंकि आप हो तो हम हैं।